أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم. أما بعد، معزز حضرات، हम हमारी जिंदगी में चाहे कौन से भी शोबे के या कौन से भी डिपार्टमेंट के रहने दीजिए, मनसूबा बंदी और प्लानिंग करते हैं। स्कूल्स और कॉलेजेस में जब एक नया एकेडमिक ईयर स्टार्ट होता है, शुरू होता है, तो मैनेजमेंट अपनी तरक्की और प्रोग्रेस के लिए मनसूबा बंदी और प्लानिंग करते हैं। वालिदैन अपने औलाद के लिए, अपने औलाद के मुस्तकबिल के लिए, फ्यूचर के लिए मनसूबाबंदी और प्लानिंग करते हैं। वैसे ही ताजरीन, बिजनेसमैन अपने बिजनेस को फरोग देने के लिए, अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए बेहतरीन से बेहतरीन मनसूबाबंदी और प्लानिंग करते हैं और अपने प्रोडक्ट्स के सेल के लिए मुख्तलिफ एडवर्टाइजिंग करते हैं ताकि उनका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिक सके। ये तो बात इंसानों की थी, लेकिन हैवानात, चरिंद परिंद और जानवर भी मनसूबाबंदी और प्लानिंग करते हैं। अजीज़ाने मोहतरम, मौसम की तब्दीली की वजह से जानवर नखले मुकाम करते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं। हत्ता के चूटियाँ भी मौसम सरमा के लिए मौसम गर्मा में जखीरा अंदाजी करती है, अपने फिजा को जमा करती है। तो अजीज़ाने मोहतरम, स्कूल्स और कॉलेजेस में मनसूबाबंदी की जा रही है ताकि उनका जो एकेडमिक नया साल शुरू होने वाला है उसमें और तरक्की हो। वालिदैन अपने नौनिहारों के लिए, अपनी औलाद के लिए मनसूबाबंदी कर रहे हैं ताकि उनका मुस्तकबिल अच्छा हो जाए। बिजनेसमैन, ताजरीन अपने तिजारत को फरोग देने के लिए मनसूबाबंदी कर रहे हैं ताकि उनका बिजनेस ज़्यादा हो जाए। चूंटियाँ, जानदार, हशरातुल अर्ज और हर चरिंद परिंद मनसूबाबंदी कर रहे हैं। तो हम मुसलमान और ईमानदार और ईमान वालों के लिए तो और ज़रूरी है कि हम आखिरत के लिए मनसूबाबंदी और प्लानिंग करें। हम अपनी अगली ज़िंदगी के लिए, इस ज़िंदगी को गनीमत जानकर अपनी अगली ज़िंदगी के लिए मनसूबाबंदी और प्लानिंग करें। इसी बात को अल्लाह सुबहानहु व तआला सूरह हशर की आयत नंबर 18 में ही इरशाद फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो तक़वा इख्तियार करो, परहेज़गारी इख्तियार करो। वलतंज़ुर नफ़्सुम मा क़द्दमत लिग़द, और हर शख्स और हर नफ्स ये अपना अच्छी तरह से जायज़ा ले लें कि वो कल के लिए, वो कल क़यामत के रोज़ के लिए क्या मनसूबाबंदी किया है, क्या प्लानिंग किया है, वो अच्छी तरह से अपना जायज़ा ले लें। तो अज़ीज़ाने मोहतरम, रमज़ानुल मुबारक का ये पहला दहा रहमत का है। रहमत इलाही के हकदार बनने के लिए ज़रूरी है कि रहमत के काम करें, ज़हमत के कामों से बचते रहें। माह रमज़ान की बड़ी इबादत रोज़ा, रोज़ा रहमत इलाही के जज्बे को बेदार रखने और रहमत को हासिल करने में ज़बरदस्त मददगार बनता है। अजीज़ाने मोहतरम, हर मुसलमान का ये फ़र्ज है कि जब उसकी ज़िंदगी में रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है तो इसमें रोज़े रखें और उस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा मारूफात, नेकियां और बलाहियों को इख्तियार करते रहें। यानी जितनी कसरत से बदनी इबादत कर सकता है करें, जिक्र में कसरत करें, फ़र्ज़ नमाज बाजमात अदा करें,
और हर मुमकिन कोशिश करें कि नमाज बा जमात अदा करें। अजीजा ने मोहतरम, अल्लाह ताला के हुजूर कसरत से अपने गुनाहों का इस्तगफार करें, रात के कुछ हिस्से में ख़याम करें और इस क़याम की सबसे अफजल तरीन सूरत नमाज़े तरावी है। नमाज़े तरावी को पूरे खुशू व खुजू और इखलास के साथ, लिल्लाहियत के साथ अदा करना चाहिए। लिहाजा रोज़ेदार को नमाज़े तरावी भी अदा करना चाहिए। इसके बाद रमज़ानुल मुबारक में सबर करने की तलकीन की जाती है, क्योंकि रोज़ा रखकर इंसान ज़्यादा मशक्क़त का काम नहीं कर सकता, भूख खा पी भी नहीं सकता है। लिहाजा भूख और प्यास की सूरत में सबर का काम लेना चाहिए। और ये एक और दूसरों का इफ्तार रोज़ा कराना चाहिए, क्योंकि दूसरों की खिदमत से इंसानी हमदर्दी पैदा होती है, जो बुलंद अखलाक का आयनेदार है। रोज़े के बदले में जो अजर व सवाब रोज़ेदार को मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा है, और रोज़े से जो फ्यूज़ व बरकात हासिल होते हैं वो भी बेशुमार है। दुनियावी तौर पर इंसान के रिस्क में बरकत डाल दी जाती है और रिस्क में इजाफा कर दिया जाता है। अजीज़ाने मोहतरम, इंसान साल भर तरह तरह के गुनाह करते रहता है और रमज़ानुल मुबारक के रोज़े उन गुनाहों का कफ़ारा बन जाते हैं। अजीज़ाने मोहतरम, हदीस शरीफ में बताया गया है कि अव्वलुहु रहमतुन, यानी इस मुबारक महीने के इब्तदाई दिन में दुनिया में रहमत का नुज़ूल होता है, वह औसतुहु मग़फ़िरा, और दरमियानी हिस्से में इंसानों के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, वह आखिरुहु इत्तुकुम मिनन्नार, और आखिरी हिस्से में दोज़ख़ से रिहाई कर मिलती है। हत्ता के रमज़ानुल मुबारक में ये तमाम फ्यूज़ और बरकात रोज़े रखने के बायस हासिल होते हैं। और बेशुमार अहादीस शरीफा में रमज़ानुल मुबारक की बरकत और बुजुर्गी का जिक्र किया गया है, जिससे रोज़े की अहमियत और फजीलत ज़ाहिर होती है। क़ियामुल रोज़ा रखना, सहरी करना, इफ्तार करना और करवाना, क़ियामुल लैल करना, दिन के वक्त भूख और प्यास से सब्र व ज़ब्त करना, ऐसे मौके हैं जो हम गुनाहगार मुसलमानों की बख्शिश और नजात का वसीला है। हाज़रीन मोहतरम, हम सबको ये बात हमेशा पेश नज़र रखनी चाहिए कि दुनिया की ये ज़िंदगी दारुल अमल है, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से एक इम्तिहान का अरसा है, एक एग्जामिनेशन पीरियड है, जिसे हर इंसान को रज़ाए इलाही और इताअत को बजा लाते हुए गुजारना है, ताकि अल्लाह ताला इसके बदले में इंसान की ज़िंदगी के तमाम मराहिल में कामयाबी और कामरानी मुकर्रर कर दे। रोज़ा अल्लाह ताला की एक ऐसी अता करदा नेमत है जो इंसान को हयात के इन तमाम मराहिल से कामयाब और कामरान करने का एक बेहतरीन जरिया है। लिहाजा हमें चाहिए कि माह रमज़ान के रोज़े पूरे अदब व एहतराम और शराइत के साथ रखने की कोशिश करें। रोज़ों को फासिद और ख़राब करने वाले छोटे बड़े हर गुनाह से बचते रहने के लिए अल्लाह ताला के फजल के तरफदार बने रहें। आखिर में हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको हकीकी माने में रोज़े के फ्यूज़ और बरकात अता फरमाए, ताकि हम गैर रमज़ान में भी अल्लाह के मना करदा
पापों से बचने की अपने अंदर सलाहियत को बाकी रख सके। आमीन या रब्बल आलमीन। वा आखिर दुआना अल हम्दुलिल्लाह।